Hello guys, my name is Mom and I'm from United States. Welcome to the Mimi fam guys, the best fam ever. Christmas tree, been wondering just what you mean to me. Oh, Christmas tree. Still drive me crazy. Tradition we celebrate. ओके सो आज हम सुबह उठे हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों. और बाहर स्नो हो रही है और इस चालाक चिड़ियों ने, आई डोंट नो चिड़ियों ने किया है या हवा की वजह से हुआ है. और ये जो उनका सीड वाला होम है उसकी छत तोड़ गई है और मुझे लगता है कि वहाँ पड़ी है और मुझे जाके फिक्स करनी पड़ेगी. और ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट खाने के लिए आई हैं और यहाँ बाहर कुछ ऐसा हो रहा है. गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. अगर अच्छे नहीं हो तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं. सुबह का मोस्टली बड़ा चंक मैंने समय का स्पेंड कर दिया है वीडियो को एडिट करने के लिए. अभी पता नहीं रूटीन कैसे बनेगा, शायद ऐसे ही चलेगा. सो अब मेरी एडिटिंग फिनिश होगी, अब मैं वीडियो को अपलोड करने के लिए लगा के आई हूँ. उसमें भी काफ़ी समय जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है. वीडियो एक्चुअली 2 घंटे की थी पहले, 30 मिनट 40 मिनट और फाइनली हम 27 मिनट्स की उसको कर पाए हैं. अब अपलोड हो रही है, अब मैं तैयार होने वाली हूँ आज के दिन के लिए. हिम्मत की पहली ब्रेक फिनिश हो चुकी है बिकॉज 12 से ज़्यादा समय हो चुका है. ओके, समय हुआ है 11:15. सो मैं जल्दी से नहा के थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ ताकि जो हिम्मत की लंच ब्रेक होने वाली है उससे पहले मेरे आलतू फालतू काम खत्म हो जाए. सो हम दिन की शुरुआत करेंगे, आज के दिन के व्लॉगिंग की शुरुआत, और जो भी आज के टास्क है उनको कंप्लीट किया जाएगा. सो जल्दी से नहा के वापस आती हूँ मैं. पहले मेरा प्लान था कि मैं मेरे बालों को कोई मास्क लगाऊँ, पर बालों की हालत तो थोड़ी ठीक ही है. जब ऑयल छोड़ना शुरू होंगे तब मास्क लगा लूँगी. अभी फ़िलहाल के लिए आई थिंक आज का दिन रहने देते हैं, देखते हैं कल करेंगे शायद, या पता नहीं शाम तक मेरा प्लान चेंज हो गया तो आज ही कर लेंगे. सो सिंपल नहाते हैं और वापस मिलती हूँ मैं आपको. ओके गाइस, ओके आई एम बैक. इस कैमरे को मैं चलना तो छोड़ के जाने नहीं वाली हूँ क्योंकि इतना टाइम मुझे नहाने में लगेगा. नहाने के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा समय लेती हूँ क्योंकि जो वार्म पानी है वो मुझे बहुत रिलीफ देता है. ऑलराइट दोस्तों, सो आई एम रेडी फॉर द डे. सो आज मैंने सोचा कि ब्रेड कर लेती हूँ, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल. देखते हैं कि हम इसको कितनी देर रख पाते हैं. बहुत ज़्यादा देर नहीं रख पाएंगे क्योंकि मैं इरीटेट हो जाती हूँ जो बाल आ गए उनसे जल्दी. सो थोड़ी देर रखते हैं और समय हो चुका है 2:00 हो चुके हैं. नहाने के बाद मैंने वीडियो नहीं शूट की क्योंकि मैं अपनी वीडियो को अपलोड करने के लिए चली गई थी. अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही थी. सो यहाँ पर अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वीडियो लाइव हो चुकी है और अब मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम तो हैं पर समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ. कहाँ से शुरू करें, क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है. हिम्मत का स्कूल ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, वो प्ले कर रहा है डाउनस्टेयर्स. उसे मैंने एक नया खिलौना लेके दिया है, उससे बहुत एक्साइटेड है वो. एक्चुअली अब ब्लैक फ्राइडे पर सेल पे मैं हिम्मत के लिए कुछ टॉयज़ लेना चाहती थी. कुछ टॉयज़ उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और वो बहुत समय से मुझे बोल रहा था कि मुझे ये वाला टॉय चाहिए. और लकीली फॉर्चुनेटली, आई डोंट नो वो मेरा फॉर्चुनेट था या नहीं, पर कई टॉय स्टोर्स में वो जो पर्टिकुलर टॉय था वो सेल पे था. लाइक $70 का टॉय 45 में था. ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था, ऑनलाइन सोल्ड आउट हो गया बहुत ही क्विकली और स्टोर में भी नहीं था. सो मुझे नहीं मिला है, पर मैं वो लेना चाहती हूँ हिम्मत के लिए ताकि उसे क्रिसमस में गिफ्ट कर पाऊँ. और नहीं मिला है, अब मुझे उसके लिए कुछ और ढूँढना पड़ेगा. और यस, अभी भी बाहर बर्फ़ पड़ रही है और ओके दोस्तों, तो मैं बाहर जाने वाली हूँ. थोड़ी सी स्नो को क्लीन कर देती हूँ क्योंकि हस्बैंड के आने का समय हो गया है और थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा तो अच्छा है. और मुझे लगता नहीं है दोबारा स्नो होने वाली है.
Instead I drive for miles just to get to where you are. I saw you out in Leicester Square, thought about you in the shower. I prayed to watch you stand up there and gave you all the power. हाथ में बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए और मैंने ग्लव्स नहीं पहने, तो जल्दी से ग्लव्स पहन के आती हूँ. But she blows you off. Don't you know? ऑल राइट, सो मुझे थोड़ा पेपर वर्क करना पड़ेगा. सो कल है मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट, और तो कल मैं बहुत सारे काम करने वाली हूँ. हिम्मत के स्कूल जाना है मुझे. डॉक्टर के अपॉइंटमेंट से पहले मैं हिम्मत के स्कूल जाऊँगी, उसके बाद डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होगी, और उसके बाद हमारे जो पासपोर्ट है उसमें कुछ करेक्शन करने वाली है. मेरे और हस्बैंड के पासपोर्ट में करेक्शन होगी, और हस्बैंड हिम्मत का एक्सपायर हो चुका है, तो मैंने सोचा कि तीनों का एक ही साथ करेंगे ताकि तीनों के एक ही साथ एक्सपायर होंगे. आई होप इट आई एम मेकिंग सेंस. क्योंकि वैसे तो इस बार हमारा प्लान था इंडिया जाने का. वैसे तो हमारे पास पासपोर्ट्स हैं ऑलरेडी, हम उस पर ट्रैवल कर सकते हैं, पर अब प्लान कैंसिल हो गया है, तो हम सारी करेक्शन करने के बाद, तीनों के एक ही साथ पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद तभी जाएंगे. होपफुली तब तक सिचुएशन अच्छी हो जाएगी. तो यस, ये काम करूँगी मैं कल. जो दिसंबर मंथ होने वाला है, आपको अगर याद होगा तो पिछले साल नवंबर में डायग्नोज हुआ था मेरी प्रॉब्लम का, और अब वो सारी चीज़ें दोबारा से एग्जामिन करेंगे कि कैसी प्रोग्रेस है बीमारी की. और एक और बहुत ज़्यादा डिफरेंट ट्रैक की मेरा इलाज होने वाला है, उसके बारे में भी हम फ्यूचर में मैं कभी डिस्कस करूँगी, आई होप. सो बहुत सारी डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट होने वाली है. सो आप बिकेज हम व्लॉग मिस कर रहे हैं, तो आप बहुत सारी डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट देखने वाले हैं, और इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही आपको बता दें कि बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स होने वाली हैं, बहुत सारे टेस्ट होने वाले हैं. एवरी अदर डे जाना पड़ेगा मुझे. सो या दैट्स अपडेट अबाउट बीमारी वाली सिचुएशन एंड एक नई इलाज वाली सिचुएशन. और अब हिम्मत को मैं नहलाने वाली हूँ. हिम्मत, यू नीड टू नाई नाई, लेट्स गो चिप्स लेटर, जल्दी चल अपस्टेयर्स. चलो हिम्मत नहीं नहीं करेगा. और पिछली बार मैं ना चिकन लेग्स थोड़ी ज़्यादा लेके आई थी, और हाफ मैंने यूज़ कर ली थी चिकन करी के लिए, और हाफ मैंने फ्रीज़ कर ली थी. अब वो हाफ को निकाल के मैंने बाहर रख दिया है. या तो मैं चिकन करी बनाऊँ या बिरयानी बना लूँ. बिरयानी बनाना मुझे ज़्यादा आसान लगता है कि फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर चिकन करी बनाओ तो राइस अलग से बनाओ या रोटी बनाओ, तो बिरयानी का है कि डन, बस सैलड बनाओ. और आपको शायद पता ही होगा कि मैं बहुत बड़ी सैलड की फ़ैन हूँ. बिना सैलड के मेरे रोटी नंगदी नहीं है, मुझे बहुत अजीब लगता है. बेशक थोड़े पत्ते मिल जाएँ, कुछ भी कुछ तो मुझे खाना होता है रोटी के साथ, लाइक रॉ. और मुझे याद है जब मैं इंडिया जाते हैं, हम लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा सैलड नहीं खाते हैं, लाइक हमारे घर वाले. और मेरे हस्बैंड की जो मदर हैं, वो अपने बाहर क्यारियों में ग्रीन चीज़ें लगा के रखती हैं, लाइक पालक होती है और ऐसी ऐसी. सो मैं क्या करती हूँ, जब वो खाना बनाती हैं या खाने का समय होता है, तो मैं अपने लिए वो सारे फ्रेश फ्रेश बेबी स्पिनच या ऐसे हरे धनिया सारा बाहर से काट के फ्रेश ला के उसमें टमाटर टमाटर ऐड करके अपना अलग से सैलड बनाती हूँ. तब वो बहुत हैरान होती थी कि तुम कच्ची पालक क्यों खा रही हो. पता नहीं कहाँ से बात शुरू हुई थी, कहाँ ख़त्म होगी. हिम्मत ऊपर हमारी वेट कर रहा है नहीं नहीं करने के लिए. सो लेट्स गो, उसको नहीं नहीं कराते हैं. वैसे वो खुद ही कर लेगा, पर उसके लिए टेम्परेचर मेंटेन कर देती हूँ मैं, तो फिर वो नहीं नहीं करेगा. और उतनी देर जब तक वो नहा रहा है, मैं मेरी क्लोजेट को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ. सो लेट्स गो एंड डू दैट. क्रिसमस की वाइब्स में आना चाहिए. नहीं लाइफ जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है, पर हमें क्या करना है, एक्ट करना है कि है. मैं बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाती हूँ, वैसे भी मैं थोड़ा ज़्यादा काम करती हूँ, तो फिर मैनेज नहीं हो पाता. पर मैं थोड़ा आराम करती हूँ, आपको बाद में मिलूँगी. हिम्मत को नहाने के लिए थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी. अगर हेल्प नहीं करूँगी, स्क्रब नहीं करूँगी, तो वो सिर्फ पानी से खेलता रहेगा. सो जल्दी से वो काम करती हूँ, उसके बाद थोड़ा लेटती हूँ 5 मिनट, तब तक हस्बैंड आ जाएंगे, फिर चाय पियेंगे हस्बैंड के साथ. हस्बैंड का नाम सुनते ही खुशी आ जाती है मुंह पे. और हस्बैंड का नाम क्या है, इसी व्लॉग में इसमें आपको बता दिया जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली शायद जनवरी में, आई डोंट नो. सो यस, मिस्ट्री. हिम्मत को नहाने में हेल्प. Hola. Mire, sabes,
starts with a look, all that it took. I feel like I had too much champagne. It starts with a touch, I'm lost in. Okay, dosto, to husband ghar aa chuke hain aur mera vlog dekh rahe hain, jo ki na zaruri kaam nahi hai, kyunki hum naya vlog bana rahe hain. और हस्बैंड की मैंने आपको बताया था कि कल शोल्डर में की हो गया, बहुत कोई मसल प्रेस हो गया, आई डोंट नो क्या हुआ. मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरी पुराने जन्मों की वाइफ आके मेरे कंधे पे चढ़ बैठी है. ओ मूवी गाइस, एक स्टोरी बताऊं आपको. एक मूवी है ना, वो एक्चुअली बॉलीवुड की भी मूवी है, क्लिक. उसमें एक आदमी है, उसकी पत्नी मर जाती है, तो उसके ऊपर ये लड़की मुझे कहती है, अगर मैं कल को कुछ मुझे हो गया, तूने नई शादी कर ली, तो मैं तेरे कंधे पे रह के तेरा जीना हराम कर दूंगी. ओके दोस्तों, एक मूवी है, उसमें एक गाय है, उसकी पत्नी मर गई है और उसके हमेशा कंधों में दर्द रहता है, बहुत दर्द रहता है. उसे पता नहीं कि क्या हो गया है. मूवी के एंड में पता चलता है कि उसके कंधों में दर्द इसलिए था कि उसकी मरी हुई पत्नी उसके कंधों पर बैठी रहती थी हमेशा. मैं इनको डराती हूँ कि मेरे देखो, इसके जिंदा रहने से ही मेरे कंधों में बाहर है. मैं क्या कि अगर कितने ब्याह कर लिया मैं तो बाहर काका क्यों मोढ़िया ते बैठे रहना हमेशा. पर मेनू तो हजे तू जिंदी जागदी है, तभी मेनू ऐ लगदा मेरे मोढ़िया ने कोई बैठा. मेनू लगदा वही बोल रहे कि पुराने जन्म वाली भाई बैठी है शायद. प्यारी एक दिन ना गलत पासे सुते ना हो गया. ओ लठो परे हटो, जान छड्डो. जिंदा रह के थोड़ी मैं ते पेरी मालिश कर दिया तेरी गलो लठो. ते कल्ले रह सकते है साडे बिना. मोढ़िया नु लठो मैं कहना, गले पाओ मोढ़ियों में लठो, मोढ़ियों से लठो गड़ में डलो. अगर प्यारी है तो गले न, पर वो नहीं गला इदा नहीं, लाइक ऐसे ऐसा या लाइक दिस. ओके दोस्तों, सो अब मैं चाय बनाने वाली हूँ. चाय पियोगे नहीं? तू ना कम्फर्ट होके बैठो ना, इदा बनने फिर वो होर दुखना. सो यार चाय बनाते हैं. हिम्मत की नई नई हो चुकी है, वो वहाँ पे है. हिम्मत से एक समथिंग. ओके दोस्तों, तो कल मैं जाने वाली हूँ बहुत सारे काम करने के लिए और हिम्मत अपनी फ्रेंड के घर जाएगा थोड़ी देर के लिए. और ये दोनों इतने ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी ये प्ले डेट के लिए. और वो लकीली हिम्मत की क्लास में भी है, सो ये दोनों बचा हुआ स्कूल एक साथ बैठ के कर लेंगे. राइट हिम्मत? सो या ही इज़ वेरी एक्साइटेड. बस ये मुझे कह रहा था कि रात को वापस आ जाना, मुझे रात को उसके मम्मी डैडी के साथ सोना ना पड़े. इसे लगता है कि उसके मम्मी डैडी इसे मिडिल में सुलाएंगे कि आ जा साडा बच्चा बन जा. इनू इदा लगता वो. अच्छा, दैट्स एंड ऑफ द स्टोरी. लेट्स गो गाइस. ओके, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं कपड़े चेंज करके आ जाऊँ. पति की टी शर्ट पहन के आती हूँ. ओके, हस्बैंड ने ये टी शर्ट अपने लिए ली थी, पर मुझे लगता है कि मेरे लिए ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इस पर पौधे हैं. सो यार चाय बनाते हैं दोस्तों. हस्बैंड वॉचिंग ब्यूटिफुल सिमोर्स वीडियोज, दैट्स मी. अब अंधेरा होना शुरू हो गया और यहाँ पे मुझे ये क्रिसमस लाइट की वाइब और ये येलो लाइट की जो वाइब्स हैं बहुत अच्छी लगती हैं और मेरा लाइट जलाने के लिए मन नहीं करता है. तो कुछ देर मैं ऐसे ही काम करती हूँ. अगर मुझे चाय भी बनानी है तो मैं छोटे से लैम्प में ही बना लूँगी, बहुत ज़्यादा रोशनाऊँगी नहीं, क्योंकि मुझे ना ये जो है बहुत कोजी सा और बहुत मज़ेदार लगता है. और अभी वैसे थोड़ा सा रोशनी है बाहर और बर्फ़ है बाहर. अगर मैं लाइट्स ऑन कर लूँगी तो फिर मुझे ये कर्टन्स भी ऑफ करने पड़ेंगे, तो मैं वो देखना चाहती हूँ थोड़ा. और आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे दिख रहा है. हमारे यहाँ पे ये जो विंडोज़ है इनका साइज़ काफ़ी अच्छा है. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घर में बैठ के बाहर का जो भी नज़ारा है आपके घर के आसपास वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर दिखे. और ये लकीली विंडोज़ इतनी बड़ी हैं कि लाइक हमारे पूरे रूम जितनी हैं. सो यहाँ से मुझे ये देखना बहुत अच्छा लगता है. हमारे वो नेबर्स ने भी फेरी लाइट्स लगा के रखी हैं बाहर. सो या थोड़ी देर मैं ऐसे ही रखूँगी, ऐसे ही मैं चाय बनाने वाली हूँ. आई डोंट थिंक सो कि मैंने ये बात आपके साथ पहले कभी शेयर की है कि ये येलो लाइट्स कोजी फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है. सो यस, ये मैंने अब आपके साथ शेयर कर दिया है. अब आपको पता चल गया है. आई एम फीलिंग बेटर 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 बेटर. वैसे तो हमारे घर का जो टेम्परेचर है मेंटेन्ड है, 21 हमें अच्छा लगता है. लाइक हम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करते हैं, 21.5 इज़ गुड फॉर आस. पर मैंने स्नो क्लीन की है तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगनी शुरू हो गई थी. और वैसे पहले मैंने स्वेटर पहना था तो इसलिए मैंने टी शर्ट पहनी है. और बाहर बर्फ़ है और मैंने टी शर्ट पहनी है. अगर कोई दोस्त ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो ये है इसका आंसर कि अंदर का टेम्परेचर मेंटेन्ड है. वैसे कई लोग बहुत ज़्यादा गर्म करके रखते हैं, पर हम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखते हैं क्योंकि थोड़ा ठंडा ठंडा हो तो नींद अच्छी आती है. और हमारे रूम में भी ऐसे ठंडा होता है कि आपको रजाई
में जाके कोजी फील करने की ज़रूरत होती है तो ज़्यादा अच्छी नींद आती है. अगर आप बहुत गर्म कर लें तो वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है. सो ये है ज्ञान टेम्परेचर के बारे में, साइंटिस्ट सिमार का. लेट्स गो. अब आप मेरे बहुत सारे रूप देखेंगे, साइंटिस्ट सिमार, ब्यूटिशियन सिमार, कुक सिमार, नॉट कुक, शेफ प्रोफेशनल. सो शेफ सिमार, डिज़ाइनर सिमार, बहुत कुछ देखने वाले हैं आप. और आपको बहुत प्यार होने वाला है मुझसे और शायद गुस्सा भी आएगा. ओके, लेट्स गो. सो आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मैंने सिर्फ एक बार चाय पी है और एक बनाना खाया है. और ये जो मेरा डिनर है जो हम अराउंड 6:30 में कर लेंगे, वो मेरा सिंगल मील होने वाला है आज के दिन का. और आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है. जिस दिन मैं कम खाती हूँ उस दिन मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, ज़्यादा एनर्जी रहती है मुझ में. और कल जो वीडियो मुझे अपलोड करनी है उसका एडिट करना शुरू कर लूँगी, क्योंकि कल मैं रात को एडिट करते समय बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और सोने के लिए जब मैं गई 1:30 बज गया था. और जब मैं बेड पर सोने के लिए जाती हूँ इमीडिएटली मुझे नींद आती भी नहीं है, मुझे नींद आने में लग जाता है आधा घंटा 40 मिनट. मुझे मेडिटेट करना पड़ता है स्लीप के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं हूँ आजकल. और सो अराउंड 2:00 बज गए. सो उठना पड़ा मुझे जल्दी हिम्मत के लिए, क्योंकि उसका स्कूल होता है तो जल्दी उठना, अदरवाइज फिर मैं देर तक सो सकती हूँ जिस दिन छुट्टी हो तो उठना पड़ता है, फिर मेरी बॉडी बहुत पेन करती है. सो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा देर तक जागूँ नहीं, जल्दी सो जाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे सो जाऊँ, लाइक 12 बजे बेड पर होऊँ कि मुझे नींद आ जाए. और ये जो मैं आपको बीच बीच में बातें बता रही हूँ मेरी बॉडी के बारे में, मेरी जॉइंट पेन के बारे में या मेरी नींद के बारे में, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे दोस्त आजकल डायग्नोज हुए हैं मेरी प्रॉब्लम से. और मैं चाहती हूँ कि उनको पता चले कि वो क्या करें कि उनको रिलीफ फील हो अपनी ज़िंदगी में. क्योंकि जब आपको पता चलता है और या फिर आप उस बिगनिंग के दौर से गुजरते हैं या फिर डायग्नोज नहीं हुआ है तो बहुत प्रॉब्लम होती है. तो अच्छा है कि आपको पता हो कि कौन से टिप्स आप यूज़ करें, थोड़ा रिलीफ फील करें. आप बिल्कुल नॉर्मल घोड़े जैसे तो शायद पता नहीं कब फील करेंगे, अगर फील करना चाहें यू नो अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी आप थॉट्स क्रिएट करेंगे वो रियलिटी बन जाता है. पर इसलिए मैं ये चीज़ें इंसर्ट कर रही हूँ हेयर देयर, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे नॉर्मल फील करती हूँ. या अगर मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में इसके बारे में बात नहीं करती हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट फाइन हूँ. मैं बहुत सारी चीज़ों के साथ डील कर रही हूँ, पर हमारी कोशिश है कि नॉर्मल फील करें, कोशिश करें कि सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा वर्स्ट हो सकता है. सो मैं यहाँ मेरी टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसी भी सिचुएशन में हूँ उसे कैसे खुश रहना है, कैसे अपनी कंफर्ट लेवल ढूंढना है खुशी वाला, और कैसे सेटिस्फाइड होना है, क्योंकि यू नेवर नो कि फ्यूचर कैसा आएगा. सो उसकी चिंता नहीं करनी है हमें, हर दिन को लेके चलें. आज का दिन अच्छा निकल गया, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, थैंक गॉड बाबा जी. एंड आने वाले दिनों की चिंता ना करें, दिखी दिखी जाएगी. सो मैं अपने ये व्लॉग में इसमें बहुत सारी टिप्स ऐसी भी आपके साथ शेयर कर दी. कुछ समय के बाद वापस आती हूँ. ऑलराइट दोस्तों, एक गुड न्यूज़ है, वो ये है कि कुक करने की ज़रूरत नहीं है. आज दोपहर में मेरा और हिम्मत का पिज़्ज़ा खाने के लिए बहुत ज़्यादा मन था, पर फिर मुझे लगा कि अगर मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया हमसे ख़त्म तो होगा नहीं, मुझसे और हिम्मत है, हमने ना से तो खाते हैं. सो रात को कर लेंगे और हस्बैंड भी शेयर कर लेंगे. देन बिरयानी का प्लान बन गया. और अब फिर से हिम्मत ने कहना शुरू कर दिया कि उसे पिज़्ज़ा खाने के लिए मन है और पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं. तो फिर मुझे फिर से वो क्रेविंग आने लग गई, या पिज़्ज़ा खाने के लिए मन है. सो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करने वाले हैं, पर अभी हमने चाय पी है तो पिज़्ज़ा थोड़ी देर में ऑर्डर करेंगे, अराउंड 7:00. और फिर बिरयानी का जो मैंने सामान निकाल के रखा वो समेट के फ्रिज में रख देते हैं. मोस्ट प्रॉब्ली बिरयानी हम कल कुक करेंगे. वेरी हैप्पी. और हाउसवाइफ्स को ये चीज़ फील होगी जब आपको डिनर कुक नहीं करना पड़ता है तो कितना खुशी होती है यार, लगता है कि बहुत बड़ा काम ख़त्म हो गया. सो यस, अब हम पिज़्ज़ा खाने वाले हैं. ये 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 ओके. सो मैं आ चुकी हूँ डोमिनोज से पिज़्ज़ा पिक करने के लिए, जल्दी से जाते हैं पिक करके आएंगे. पिज़्ज़ा पड़ा है साथ वाली सीट पे, सीट को गर्म रखा गया है, अब जल्दी से घर जाते हैं खाएंगे.
वैसे पिज्जा स्टोर मेरे घर से 5 मिनट्स ही दूर है, सो लेट्स गो। डैडी की रोटी खाने की पोजीशन उल्टी पुल्टी है, देयर ही इज ईटिंग एंड नाउ। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वेजिटेरियन पिज्जा है, क्यों? क्योंकि हमें इनका चिकन इतना अच्छा नहीं लगता, और मेरे पति का बिग बॉस के बिना रोटी नंगती नहीं है दोस्तों, और उनको पसंद भी नहीं है, फिर भी कोई है ही नहीं बेचारे को बेकल। मैं इनको इतनी अच्छी अच्छी वेब सीरीज के बारे में बताती हूँ, पर ये देखते ही नहीं है, बस इनको लगा लेंगे, ये लड़ाई करते रहेंगे और ये रोटी खाएंगे, पता फिर भी नहीं चलता हो क्या रहा है उसमें, कौन किससे लड़ रहा है, क्या कर रहा है वो। वैसे इस बार मजेदार है ही नहीं, बेकार जा ही। इस बार हमने मैंने बिग बॉस नहीं देखा, और इस बार तो बिग बॉस भी फोहा बटन ला पे। गाइस आपसे बातचीत करते गलती से हिम्मत ना आए, जाना चाहिए फ्लिक्स का, पर वो खा लेगा। सो दिस इज माय, आई एम गोना ईट नाउ। ऑल राइट प्यारे दोस्तों, तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने आज का व्लॉग पसंद किया होगा, अगर किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और मैं मिलूंगी नए व्लॉग में कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, वी गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, इतना ही आसान है, बस सोचो और हम कर सकते हैं, हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी है। आई लव यू।